हमें अमृत का वरदान चाहिए माता, ना हमें देवता मार सके और ना ही दैत्य। नहीं, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकती, तुम कोई और वरदान मांग लो। तो ठीक है माता, आप हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दीजिए। तथास्तु। माँ भगवती तो सब कुछ जानती थी कान्हा, फिर उन्होंने मधु और कैटअप को ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? वो भले दैत्य थे किंतु उन्होंने भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ हजारों वर्षों तक कठोर तप किया था। ये कार्य अत्यंत कठिन था, अतः माता भगवती अपने भक्तों के साथ अन्याय नहीं कर सकती थी और इसीलिए माता भगवती को मधु कैटअप को इच्छा मृत्यु का वरदान देना पड़ा। अच्छा, उसके पश्चात क्या हुआ कान्हा? इस आशीर्वाद को पाकर क्या किया मधु और कैटअप ने? वही जो कोई भी विवेकहीन शक्ति पाकर करता है। अब मधु कैटअप को रोक पाना असंभव हो गया था, वो विनाशक बन गए थे। देवताओं को अपने दुष्कर्मों से व्यतीत कर रहे थे। ये तो वही ब्रह्मा है ना, जिसने एक बार क्रोधित होकर हमें भगा दिया था। चलो आज चलकर इसकी शक्ति देखते हैं। आज इनसे हम अपना प्रतिशोध लेकर रहेंगे। ब्रह्मदेव, अब तुम इस पद के योग्य नहीं हो, त्याग दो अपना स्थान, अन्यथा हम तुम्हें बलपूर्वक यहाँ से निकाल देंगे। अब इस पद के योग्य हम दोनों हैं, मधु कैटअप, क्योंकि हम ही इस सृष्टि में सबसे अधिक शक्तिशाली है। मूर्खो, तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा तुम दोनों परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाना। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके ब्रह्मदेव। देख ली हमारी शक्ति, हमें ना तो देव मार सकते हैं, ना दैत्य, और ना ही तुम हमें युद्ध में परास्त कर सकते हो। हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, अपना आसन छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारा अंत निश्चित है। क्या ब्रह्मा जी तो सर्वशक्तिमान है,
फिर वो वहाँ से क्यों चले गए कान्हा? क्या वो भयभीत हो गए उन दोनों असुरों से? नहीं दाऊ, परमपिता माँ भगवती के दिए उस वरदान के कारण विवश थे, किंतु उन असुरों को अतिशीघ्र रोक पाना आवश्यक था, इसीलिए बिना क्षण गवाए परमपिता वैकुंठ के लिए निकल पड़े। हे श्री हरि विष्णु, उठिए, आंखें खोलिए, आपको जागना होगा प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। उठिए प्रभु।